पौधों को देखिए जरा, मुस्कुराए हुए सूख कर दम तोड़ चुके ये पौधे अपनी हालत पर रोना रो रहे हैं। दरअसल अनंतपुरा और कर्णेश्वर मंदिर के इलाके में 3 साल पहले इनका रोपण हुआ था। स्मृति वन योजना के तहत शीशम, बड़, पीपल, कचनार, नीम, करंज और ना जाने कितने तरीके के तकरीबन 4000 पौधों को यहाँ लगाया गया था। वन विभाग ने इसे लगाने में तो सहयोग किया, लेकिन देखरेख के अभाव में इन पौधों ने दम तोड़ दिया। जिसके ऊपर हमें बचाने का जिम्मा था, उसी ने हमारे जीवन को हमसे छीन लिया। ये कहानी है कोटा झालावाड़ हाईवे पर स्मृति वन योजना के तहत लगे हजारों पौधों की, जो सूख चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका ठूठ बचा है। देख सकते हैं आप, ये साल 2015 में स्मृति वन योजना के तहत शीशम, बड़, पीपल, कचनार जैसे कई जो बड़ के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे। 4000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, लेकिन सब के सब सूख चुके हैं। वन विभाग की ये बड़ी लापरवाही रही कि स्मृति वन को तैयार तो किया गया, लेकिन बाद में उसकी सुध भी नहीं ली गई। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या यहाँ के सूरत हाल है। खाली और बंजर जमीन पर सपना देखा गया था कि यहाँ के सूरत हाल बदले जाएंगे। ये लापरवाही का बड़ा नमूना है कि यहाँ पर हालात ये हैं, सब पौधे सूख करके दम तोड़ चुके हैं। जब यहाँ वृक्षारोपण हुआ तब हजारों छात्र छात्राएं, सामाजिक संस्थाएं और वन विभाग के दर्जनों अधिकारियों समेत सैकड़ों पब्लिक का यहाँ जुटना हुआ था, लेकिन लापरवाही ऐसी कि अगले ही दिन से ये नन्हे पौधे उपेक्षा के शिकार हो गए। जो यहाँ पे कमेटी है उसके सहयोग से इसकी सुरक्षा और इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कहीं विफलता है उसमें हम कुछ चेंज करके ठीक करेंगे। आशा है इस साल हम कुछ उसमें अच्छा कर पाएंगे। जब इस बाबत वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो वो अब उन पौधों के देखरेख का भरोसा दे रहे। जी हाँ, 3 साल पहले दम तोड़ चुके पौधों को ये विभाग अब सुरक्षा और संवर्धन का भरोसा दे रहा है। स्मृति वन अनंतपुरा की जो स्थिति है, वहाँ पर पौधे सूखने का प्रमुख कारण है कि वन विभाग ने कोई कंक्रीट योजना नहीं बनाई। ये आलम कोई नया नहीं है। इससे पहले भी देवली अरब रोड पर ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए हजारों वृक्षारोपण हुए थे, लेकिन रख रखाव की कमी से वो बर्बाद हो गए। सवाल ये कि जब तक सरकारी महकमा अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगा, तब तक ऐसी पहल का क्या फायदा। जिन्हें पेड़ पौधों का महत्व दूसरों को समझाना था, वो खुद नादान बने बैठे हैं, तो ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।